نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे स्टेज से बैठे बड़े भाई मेरे लीडर चौधरी शबीर रजा कोटला साहब, मेरे सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात निशान नवाबजादा ताहिर उल मुल्क साहब चौधरी बलायत साहब, मेरे बड़े भाई मेरे बोसन सैयद तसीफ शाह साहब चौधरी काशिफ चेयरमैन साहब जीशान यूनस साहब बाकी मेरे तमाम बुजुर्ग भाई जिन्हें भी स्टेज से बैठे ने जिन्हें प्रणाम से बैठे ने जिन्हें मेहमान कुला चौर तशरीफ लाए ने सब ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मेरे को अल्फाज नहीं कि मैं अहलियाने जलालपुर चट्टा का अपने बुजुर्गों का अपने भाइयों का अपने दोस्तों का इन अल्फाज का शुक्रिया अदा करा। मैनू तुहानू वेख के गल करन तो पहला दोस्तों जिहड़ी इज्जत दित्ती है उह दा ख्याल भी दिल ते लिया के ते यकीन मनो मेरे रोंगटे खड़े हो। मैं इस काबिल नहीं सा जिस तरह जलालपुर जट्टा दे शहरिया ने अहलियाने कुला चौर ने मैनू इज्जत बख्शी है। मैं इंशाल्लाह इहनू ताक मौत कबर दियां कंधां तक इंशाल्लाह मैं ते मेरे अहलो यार मेरा खानदान याद रखो। मैं अपने लीडरान को दसना चाहना ऐड़ा कट के ऐड़ा यूथ कन्वेंशन रखा गया है 21 अक्टूबर के हवाले न एक कट सिर्फ और सिर्फ जलाल और जट्टा शहर का इकट्ठा एक एक बंदा जलालपुर जट्टा का इकट्ठा बैठा है। ये हल्का पीपी 30 का इकट्ठ नहीं ये सिर्फ मेरे बुजुर्ग मेरे भाई मेरे दोस्त जलालपुर जट्टा लेके बैठे। मेरी जिंदगी का मेरी सियासत का आवाज है। मैं तुहाडे हल्के दे विच सूबाई असेंबली का उम्मीदवार हाँ तुहाडी नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। मेरी मेरे बुजुर्गों की मेरी फैमिली की बरतन साल हा साल तो तुहाडे लोगों नाल है। इन्हां गलियां विच तलीनुद्दीन हाई स्कूल दे विच इस्लामिया स्कूल नंबर 2 दे विच मैं पढ़िया हूं। इन्हां बाजारां दे विच जिन्ने बाजार दे दुकानदार शहरदार इकट्ठे होए ने तुहाडे कोलों मैं साइकिल ते मोटरसाइकिल ते जाके सब्जियां दे दुकानां तों चीज़ां लैंदा। मैं तुहाडे विचों मैनूं मेरे अंदर जिहड़ी तड़प सी जिहड़ा मेरे अंदर खून जोश मारदा सी उहदी वजह मैं चंद वक्त इस इलाके ते साल हा साल हुकूमत करने वाले फरमान दे नाल गुजारिया। काश खुदा दी कसम इंसान दे पुत्तर होंदे मैं कदे भी सियासत दा बेड़ा ना उठांदा। मैं उहनां दे असली चेहरे जानना मैं उहनां दे असली रंग जानना जिहड़ियां गल्लां इखलाकी तौर ते किसी महफल च किसी पंडाल च नहीं करनी चाहीदियां मैनूं उहनां दियां उहनां गल्लां दा भी पता ते मैं इस किस्म दे लोक कदे भी नहीं सचांदा कि साडे इलाके की नुमाइंदगी करन। तुसीं वेख्या है इन्ने अरसे 2016 तो जेल चोने तो बाद तुहाडी खिदमत का सिलसिला शुरू किया MNA चौधरी आबिद रज़ा की सरपरस्ती दे विच इन्हां फिरौनां दे नाल टक्कर लई इन्हां दे मुकदमात बर्दाश्त किए सन इन्हां दीआं सख्तियां इन्हां दीआं बदमाशियां बर्दाश्त कीतीआं सन इन्हां दा मुकाबला करके तुसीं यकीन करो 8 साल दे अंदर
दर्जन साहिब ने तदबा जना दिते ने अल्लाह के फजलो करम दे नाल एक दिन भी थाने दी हवालात बंद नहीं करवा सके। मैं इन्हों का मुकाबला फौजदारी करके मुकदमिया फेस करके ते कर लिया। इन्हों पता सी ये लोग इसे वाए चुके, इन्होंने इन्हें उलझा दे पाओ, इन्होंने लड़ाइया च उलझाओ, मुकदमात बनाओ, एस एच ओ ला के इन्हों जेर करो, अपनी हुकूमत रिट कायम करो, फिर चल के साडे कोल ते फिर इन्हों आजाद करवा लो। मैं तुहाडा मुकाबला फौजदारी करके तुहाडे नाल करके तुहानू वहां दिता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिता, क़यादत ने इतमाद किया, तुहानू मैं खिदमत करके तुहानू मैं इस इलाके की तमीर और तरक्की के हवाले नाल, इस इलाके की सेहत के हवाले नाल, इस इलाके की तालीम के हवाले नाल काम करके तुहानू दसांगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद और नुसरत रही, अपने हल्के की आवाम के नाल रल के तुहाडा मुकाबला इन्हों सारे महाजात इंशाअल्लाह किया जाए। मैनू अज भी मैं एक न्यूज पढ़ रहा सा जलालपुर जट्टा के अंदर, एक बच्चा बीमार होया, नौजवान लड़का, उन्होंने वक्त से ट्रीटमेंट नहीं लभी, वो इतने ही फौत हो गया। मीडिया ने इस गल को चुकया, कल यकीन मनो दिल खून दे आंसू रोंदा है, इन्ने साल तो सानू एक अस्पताल इतने मुयसर नहीं, एक अस्पताल सानू मुयसर नहीं, कि 24 घंटे डॉक्टर सानू लग गए। इन्हों कोठियां इन्हों के महल जेड़े तुहाडे मेरे वोट दे विच इन्हां कमाए ने उन्हां नाल नजर मार लो, ये बीमार हो जाए तो इलाज इन्हें परौने मुल्क च करा जाना होंगे। सारे सिरों गंजे सन देखो वार्ड लवाते फिरते इतने जाके, इन्हों की जिंदगी शहाना का अंदाज देखो इन्हों जिंदगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिता, मैं तुहाडा पुत्र, मेरे को भी गलतियां हुई जिंदगी, मैं पूरे जलालपुर जट्टा को फराग दिली के नाल दिल खोल के अपने दिल दिया गहराइया के मेरे तो मेरे खानदान कबीले को कभी भी कोई तकलीफ हुई हो तो मैं पूरे जलालपुर जट्टा को माफी मांगा। इतमाद किया है, अज तुम मेरा इना मान बधा दिता है कि यकीन करो कि दिल से करता है एक एक बंदे का ना ला, जिन्ना पंडाल बैठे है सारे पंडाल चुप के स्टेज से बिठावा, कायदीन नहीं दसा, अपनी जमात में दसा है फलां बंदा है फलां बंदा है, हर बंदा तुम मेरे लिए काबिले इज्जत हो, काबिले एहतराम हो, जिन्ने भाइयों ने मेरे वास्ते तरक्की की राह से लैके आना है। 21 अक्टूबर में वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल मैं बरबला कहना कि किसी ने पार्टी ने कहा किसी ने 200 बंदा ले आवे, किसी ने कहा 500 बंदा ले आवे, इंशाल्लाह ताला मैं अपने लीडर दे अपने कायद के इस्तकबाल वास्ते इंशाल्लाह ताला शबीर साहब ताहिर साहब 1500 बंदा इतों लैके लाहौर पहुंचागा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर दे विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूह नहीं है जिहड़ी सही खिदमत दा तुहाडा हक अदा कर सकती है। मियां नवाज शरीफ दे आने तो बाद इंशाअल्लाह तुसीं इस मुल्क दे अंदर खुशहाली वेखोगे, इस्तेहकाम वेखोगे, तुसीं वेखोगे कि मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की दी राह ते गामजन होया है। मैं दोबारा बहुत लंबी गल्लां ने मुकदियां ही नहीं, कायदीन बैठे ने, हुण मेरी रिक्वेस्ट यह आखिरी तुहाडे के यह सारा कट करन दा मकसद की, एक 21 अक्टूबर के हवाले ना अवेयरनेस देनी कि असीं अपने लीडर दे इस्तकबाल करने वास्ते जाना है, तुहाडा मेरा तारफ अपनी क्यादत नूं डिस्ट्रिक्ट वाली क्यादत नूं, MNA चौधरी आबिद रजा साहब ने आना सी लेकिन इस्लामाबाद किसी मीटिंग की वजह ने पहुंच नहीं सके, उन्हां दी पूरी फैमिली इत्थे बैठी है। इंशाअल्लाह ताला असीं भरपूर तरीके नाल 21 अक्टूबर का प्रोग्राम सारे अंजाम देंगे। दूसरा तुहाडा मुहब्बत वेख के तुहाडियां जिहड़ियां मेरे नाल लाजवाल मुहब्बत होईयां ने इत्थे आने की वजह नाल इन्ने मुनज़म तरीके नाल मैं पढ़िया जलसियां ते गया वां, इन्ना टाइम बंदे कोई नहीं कढ़दे। तुहाडी ऐसी मुहब्बत ते चाहत की वजह नाल
बीबी मरियम का लाहौर तो मैसेज आया कि जलालपुर जट्टा अहलियाने कुला चोर अहलियाने जलालपुर जट्टा नूं खुद इख्ताब करनगी। मेरा मान वधाना है कोई बंदा पंडाल दे विचों उदों तक एक बंदा भी ना उठे जिन्ना चिर बीबी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब खत्म ना हो जाए। यह मेरी इज्जत है। आने तो बाद एक कुर्बानी है वे कि कोई एक बंदा भी पंडाल जो उठे नहीं जेड़ा बीबी मरियम का पूरा खिताब ना सुने। असी अपनी क्यादत नूं दसीए कि जलालपुर जट्टां असली हक खिदमत करने का हकदार कौन है। मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, बस एक ही गल करना चाहना, जेड़ा कोशिश करे जेड़ा नुमाइंदगी करे उदारा उन्हें मौका देना चाहिए, उन्होंने एक बार अजमाना चाहिए कि यह की जज्बा लैके आया नौजवान है, ये अंदर की तड़प है, ये अंदर की जोश है जेड़ा इन्ना हर वक्त सियासत हर वक्त खिदमत के उत्ते गामजा ने। इन्हू एक मौका तो देिए, इन्हू वेखिए तो सही ये करना की चाहता है। होर कोई तनकीद नहीं, बस एक ही तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि जिंदगी च एक मौका तुसां देना है ते पूरी जिंदगी का सियासत का खिदमत का ताबेदारी का जाल तुहाडा मेरा वादा इन्हां विच हुंदा। चौधरी अली विराज।